जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर शकरपुर दिल्ली में प्रशम मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी परंपरा के प्रमुख संत आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य एवं क्षुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज की उपस्थिति में सम्पन्न हुए श्रीमद जिनेन्द्र नेमीनाथ स्वर्ण जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की महापावन झलकियां। इस प्रस्तुति श्रृंखला में कल तक आपने चार कल्याणकों के दृश्य देखे। आइए आज इस अंतिम एपिसोड में मोक्ष कल्याणक की मनोहारी झलकियों से रूबरू होते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय की अनुपम किरणों के वातावरण में फैलते ही भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्व विघ्न प्रणाशनाय। हो कर लो सकल नर नार प्रभु जी की आरतियां, कर लो सकल नर नार प्रभु जी। आरती के बाद सभी ने यथास्थान विराजित होकर मोक्ष कल्याणक की पूजन संपन्न की। रचना कितनी प्यारी लागे रे, प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, समवतरण की रचना कितनी। मैं दुख पायो सो सुनो, अष्ट कर्म में एक लो, यह दुष्ट महा दुख देत हो, कब हो इतर निगोद भी। तब फिर निकसत हे धरत्या पड़ो, फिर लागी भूख अपार हो, रोई रोई बिलक सर बार बार ही आए, अब सर बार बार ही आए, अब सर बार बार ही आए, ये अब सर बार बार ही आए। सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्ञानम नमो लोई सभ्य साउणम, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रभ्या सम्यक तप से नमस्तक है। उसने तुरंत यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर दिए और एक दिव्य ज्योति इस भूमंडल पर और इस आकाश मंडल पर ज्योतिर्मय हो गई। खुशियाँ अपरम पार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है हमें खुशी है। हम यीशु मंगल कम मुदा ओम दीमक ज्ञान्त मेरा रम दीप कम स्थापनम करोमी। देखिए वहाँ पर पुजारी जी बैठे हुए हैं, वो जैसा कहेंगे आपको वैसा ही करना है, बराबर ना। भर कप तरु सो काम दुआ मम रख सया, पुरु बिजुण ही। सिर झुकाइए सिर झुकाइए और अपने मुकुट की अग्नि से ओम मेरे श्री क्लेदाराम गणहितुम गणहितुम अरहम नमो भद्रम भवतु जगताम शांतिदाराम निपात्यामि शांति कृतभ्यः स्वाहा। अब पुष्प ले लीजिए, पुष्प लीजिए। प्राप्त चतुर्विंशति जी ने भी अक्षतान निर्भवामि थी। चंपा गुलाब मरुआ बहु पुष्प लाऊं, दुखटार काम हर के निज भाव पाऊं, पूजो सदा चतुर्विंशत सिद्ध कालम पाऊं, महान शिव मंगल नाश काल। मोक्ष कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति ओम नीम जय शुक्ल एकादश्या मोक्ष कल्याण प्राप्त समाधि नाथ जी नेन्द्राय निर्भवामि थी। शुभ कृष्ण फाल्गुन चतुर्थी समेत गिरने ध्याय, से पद्म पद निर्वाण पाए के, से धर्म ना स्वधर्म नायक पाए निर्गुण पाए के, हम धार अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाए के, सब राग दोष मिटा के शुद्धात्म मन में भाई के। शांत कर्म गण शांति मविष्टु षोडश तीर्थ कर्म परमान सर्व गणाय जो यच्छत शांति मई मरम पत्नी परमान चा ये ध्याचता मुकुट हा जोड़ी हा जोड़ी ये ध्याचता मुकुट पंडल हा रत्न इस प्राद दी सो गण इस तत पाद पद्मा देवी इना प्रवर वंश जगत प्रतिपा। पूजन संपन्न होने के बाद पूज्य क्षुल्लक श्री ने मंगल प्रवचन दिए। ध्वजारोहण से लेकर के मोक्ष कल्याणक तक की ये क्रियाएं जो बहुत श्रेष्ठता के साथ शुद्धता के साथ पवित्रता के साथ शक्ति और भक्ति के साथ में पूज्य आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज के मंगल सानिध्य में जो विद्वानों के महामहिम हैं डॉक्टर श्रेयांश जी और प्रतिष्ठाचार्य श्री मनीष जी शास्त्री ऋषभ जी शास्त्री के द्वारा यहां पर संपन्न हुई। अनिश्चित रूप से यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हम सभी के स्मृति पटल पर चिरकाल तक
आनंद को प्रसारित करता रहेगा। प्रवचन उपरांत पंच कल्याणक में भाग लेने वाले इंद्र इंद्राणियों आदि पात्रों का समिति की ओर से सम्मान किया गया। सम्मान होने के बाद पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री का पावन पाद प्रक्षालन किया। तत्पश्चात गुरु चरणों में शास्त्रादि भेंट कर महान पुण्यार्जन किया। ये पुण्यवर्धक क्रिया संपन्न होने के बाद प्रभु का अभिषेक किया गया। अभिषेक उपरांत पूज्य आचार्य श्री ने भक्तों को अपनी मंगलवाणी से लाभान्वित किया। अंतिम दिन आपने देखा, मैं आपसे पूछूं आपने क्या देखा? सात दिन में खाना बहुत अच्छा था, डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, पंडित जी बहुत अच्छे थे, मंत्रोच्चारण से सब काम हो गए। एक स्वर्ण का टुकड़ा भगवान में परिवर्तित हो गया है ना, ये सब देखा आपने या कुछ और देखा गहराई से? एक बालक अभी गर्भ में भी नहीं आया, गर्भ में आने से 6 माह पूर्व 3.5 करोड़ रत्न एक समय में बरसते थे और प्रति दिवस 4 बार रत्नों की वृष्टि होती थी, यानी कि 14 करोड़ रत्न प्रति दिवस वहां पर कुबेर के द्वारा बरसाए जाते थे। 6 माह गर्भ में आने से पूर्व और पूरा गर्भकाल यानी कितने हो गए? 15 माह तक। अब जोड़ते रहना कितने रतन बनेंगे इसके। वो बालक गर्भ में आया, उस बालक का जन्म हुआ और उस मां की सेवा करने के लिए अष्ट कुमारियां स्वर्गों से आई। उस बालक का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए 100 धर्म इंद्र स्वयं आता है अपने पूरे परिवार के साथ। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद विश्व शांति महायज्ञ संपन्न किया गया, जिसके माध्यम से विधान पूजन की पूर्णाहुति दी गई। ओम ग्रामते ओम अनादि श्रोत्याय ओम स्नातकाय ओम श्रावकाय ओम देव ब्राह्मणाय ओम शुभ ब्राह्मणाय ओम अनुपमाय
ओम संभक्त से संभक दृष्टे निधिपते निधिपते वैश्यवण वैश्यवण हाथ जोड़िए। हवन संपन्न होने के साथ भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से पूर्ण भक्ति के साथ नवीन सिंहासन एवं स्वर्ण जिनबिंब सहित अन्य भव्य प्रतिमाओं को मंदिर जी ले जाया गया। सभी पुण्यार्जक भक्त इस मंगल अवसर पर नवीन सिंहासन एवं प्रतिमाओं को शीश पर रखकर मंदिर जी की ओर रवाना हुए। इस भव्य शोभा यात्रा में सभी बेहद उत्साहित नजर आए, सभी ने खूब भक्ति की। मंदिर जी पहुंचकर सभी प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। इस मंगल अवसर पर पूज्य आचार्य श्री का भी मंगल आगमन हुआ और फिर सभी पुण्यशाली भक्तों ने भगवान का मंगल अभिषेक किया। अभिषेक उपरांत सभी जिनबिंबों को वेदी पर विराजमान किया गया।
उत्सव के समापन पर कुछ भक्तों ने पारस चैनल के माध्यम से अपने मनोभाव भी व्यक्त किए। मेरा नाम सौरभ जैन है, मेरी वाइफ निया जैन। अभी हमारे मंदिर में पंचकरण हुए हैं, जहाँ पर नेमनाथ भगवान का मेन पंचकरण हुआ था। चार मूर्तियाँ हुई हैं, एक पुष्प भगवान, दो नेमनाथ भगवान और एक मल्लनाथ भगवान। हम उसमें माँ भगवान के, नेमनाथ भगवान के माता पिता बने, हमें बहुत अच्छा लगा। छः दिन का पंचकरण था, 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक आज उसका समापन हुआ है। हमारा जो पात्र था पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में, वो धनपति कुबेर का था। मेरे हस्बैंड विपुल जैन और मैं शिखा जैन, हम दोनों ने इस प्रतिष्ठा महोत्सव में बहुत ही प्यारा अनुभव महसूस किया। हमने पहली बार किसी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पात्र किया और आगे से आगे बढ़कर क्रियाओं का उत्साह से उसमें पार्टिसिपेट किया। सभी को जय जिनेन्द्र। अभी हमारे शकरपुर में नेमिनाथ भगवान को स्वर्णमय प्रतिमा के जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न हुए, जिसमें हमें भगवान के माता पिता बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सुनील जैन अपनी धर्मपत्नी सपना जैन के साथ इस शक्करपुर महानगरी में होने वाले नेमिनाथ भगवान के स्वर्ण जिन बिंब पंच कल्याणक महोत्सव में मुझे ईशान इंद्र बनने का मौका मिला। मैं महिला मंडल की सदस्य हूँ सपना जैन। हमारे शकरपुर में जो पंच कल्याणक महोत्सव मनाया गया है, बहुत धूमधाम से मनाया गया है। मैंने ये पहली बार ही इसमें पार्टिसिपेट किया ईशान इंद्रानी बनकर। सभी को जय जिनेन्द्र। मैं राजेश जैन निर्माण विहार जैन मंदिर से। अभी मैंने शकरपुर पंच कल्याणक में इंद्र बनने का सौभाग्य मिला। मैं इस पंच कल्याणक में लोकांतिक देव बना। हमारे शकरपुर में 19 जून से 25 जून तक श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक नेमिनाथ भगवान के पंच कल्याणक आज संपन्न हुए हैं। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुआ शकरपुर पंच कल्याणक का यह अनोखा सफर। महोत्सव में सम्मिलित हुए सौभाग्यशाली पात्रों ने जो भक्ति की, वो वास्तव में अद्वितीय प्रतीत हुई। इस मंगल भावना के साथ कि शकरपुर जैन मंदिर में वर्ष भर धर्म की प्रभावना हो, अब दीजिए हमें आज्ञा। जय जिनेन्द्र।